हेलो एवरीवन, मैं हूँ नम्रता और आज हम बनाने वाले हैं रवा डोसा। तो रवा डोसा स्पेशली बहुत ही जल्दी से बन जाता है क्योंकि इसे फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा ट्रिकी है इसका प्रोपोर्शन, जिससे ये क्रिस्पी कभी कभी नहीं बनता है, लेकिन आज के आप मेरे वीडियो से इसे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, जल्दी से बनाते हैं रवा डोसा। रवा डोसा बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो ऑफकोर्स रवा। तो ये महीन वाली सूजी है और ये ऑलमोस्ट एक कटोरी है, तो ये है वेट में 150 ग्राम। और चावल का आटा भी सेम अमाउंट में है, ये भी है 150 ग्राम। और यहाँ पर अब हम डाल देंगे 2 चम्मच मैदा, 2 टेबलस्पून मैदा, और इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून, और पानी अब हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो रवा डोसा जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें पानी, उसका जो बैटर जब हम रेडी कर रहे हैं तो पानी काफ़ी ज़्यादा चाहिए हमें। तो ये एक पतला सा घोल बन के रेडी होता है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हम इसमें दही डालेंगे, तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही मैंने यहाँ पे इसमें डाला है, और अब इसे भी मिक्स करेंगे। पानी अभी हमें और चाहिए क्योंकि सूजी अभी हमारी फूलेगी तो ये इतना पतला रहेगा। और सूजी फूलने के बाद अभी हम इसे करीब 10 मिनट तक रख देंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें पानी थोड़ा कम हो गया है तो वापस से इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं बाद में। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, तो ये 1/2 छोटे चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च 8 से 10 दाने, और इसको बस क्रश कर लिया है। अब यहाँ पे जाएगा इसमें कसा हुआ अदरक, बहुत बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, तो इसको भी मैंने बहुत बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 1/2 छोटी प्याज। तो 1/2 छोटी प्याज को बहुत बारीक काट लिया है, इसे भी डाल के इसमें मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि ये बैटर थोड़ा थिक होने लगा है। तो करीब करीब 400 ml पानी मैंने इसमें डाल दिया है, तो बस ये बैटर रेडी है और इसे करीब 10 मिनट के लिए हम रख देते हैं, फिर हम डोसा बनाएंगे। और रवा डोसा डेफिनेटली बहुत जल्दी बन जाता है कंपेरेटिवली टू जो नॉर्मल राइस का डोसा हम बनाते हैं, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन ज़्यादा चाहिए नहीं होता है। बस थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट बाद हम डोसा बनाते हैं। तो करीब करीब 10 मिनट हो गए हैं और बैटर एकदम रेडी है, और ये जो बैटर है ये हमें चाहिए एकदम इस तरह से पतला, पोरिंग कंसिस्टेंसी इसकी। तो अभी एकदम रेडी है और हम बनाते हैं डोसा। गरम तवे के ऊपर हम बैटर को डालेंगे, बड़ी कलछी का यूज़ करेंगे, बड़ी कलछी नहीं हो तो आप छोटी कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। घोल को एक बार चलाइएगा ज़रूर, और जैसे ही आप बैटर को डालेंगे वैसे ही तवे के ऊपर आप देखेंगे जाली सी बनने लगी। ये एकदम परफेक्ट साइन है, रवा डोसा ऐसा ही हमने देखा है हमेशा से, जब भी हमने बाहर खाया है उसमें जालियां बनती हैं।
फ्लेम को रखेंगे हम थोड़ा हाई साइड, मीडियम से हाई पे, लो फ्लेम पे इसे नहीं बनाएंगे, नहीं तो क्रिस्पी नहीं होगा डोसा। करीब 1.5 से 2 मिनट लगेंगे इसे अच्छे से नीचे से ब्राउन होने में, और ये हमें ऊपर से ही दिखने लगेगा। जैसे ही नीचे की तरफ से ब्राउनिंग दिखने लगेगी हम डोसे को पलट देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि अच्छा ब्राउन होने लगा है ये नीचे की तरफ से। अब हम इसे पलट देते हैं। और ये बहुत क्रिस्पी बना है, कलर भी बहुत परफेक्ट आया है। तो बस इसको नीचे की तरफ से सेक करके, ऊपर से तो ये ऑलरेडी सिक चुका है, इसे हम सर्व करते हैं। अब हम इसे वापस पलट देते हैं और ये बना है बहुत ही क्रिस्पी। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बहुत क्रिस्पी बना है और इसे अब हम सर्व करते हैं। तो हमारा रवा डोसा एकदम तैयार है, इसे हम सर्व करेंगे चटनी के साथ और आलू के साथ। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही फटाफट से बन जाती है, ज़्यादा फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसे बना सकते हैं इस वीडियो के साथ। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।